वेलकम बैक टू कोर स्ट्रेंथ टीवी, जहां पर मैं और राजा आपके लिए फिटनेस रिलेटेड वीडियोस ला रहे हैं, कई वर्कआउट शेयर कर रहे हैं। और आज जो हमारी होम वर्कआउट की सीरीज चल रही है, जहां हम आपको ऐसी एक्सरसाइजेस दिखा रहे हैं जो आप घर पर या जिम पर कहीं भी कर सकते हैं, उस सीरीज का आज लास्ट हम वीडियो आपसे शेयर कर रहे हैं, जिसमें बैक का वर्कआउट है। और बैक वर्कआउट के लिए आज हमारे साथ है अभिलेख, जो बैक वर्कआउट हमें करके दिखाएगा और प्रॉपर फॉर्म बैक वर्कआउट में बिना चीट किए कैसी हमें यूज करनी है वो हमें अभिलेख करके दिखाएगा। और साथ में दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया वो हमें सब्सक्राइब करिए, बिकॉज चैनल में भी आगे बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, उनको आप लोग ताकि मिस ना करें। जिन लोगों ने हमारे पहले के वीडियोज़ कुछ मिस कर दिए हैं वो आ जाएगा आई बटन में। वीडियो के एंड में, एंड स्क्रीन पर आप देखोगे हमारी प्लेलिस्ट है, जिसमें ये सारे वीडियोस होम वर्कआउट के आपको अवेलेबल होंगे। और अदरवाइज कोर स्ट्रेंथ टीवी को यूट्यूब पे टाइप करिए, हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट देखिए, अलग अलग प्लेलिस्ट हैं और वहाँ पर होम वर्कआउट की पूरी सीरीज है। डू चेक इट आउट ऑन यूट्यूब। सो बिना टाइम वेस्ट किए अब शुरू करते हैं हम अपना बैक का वर्कआउट। सबको ये शौक होता है कि एक वी टेपर बैक हो, वाइड बैक हो, जो बहुत मस्कुलर और बहुत वाइड लुक दे आपके ब्रेन को। तो ये अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसी बॉडी वेट एक्सरसाइजेज हैं जो इस रूटीन में हम आपके लिए लेके आए हैं, जो आपको करनी है, और वो एक्सरसाइजेस अभिलेख अब आपको दिखाएगा। आपको बेसिकली अपने ये लैट्स का रीजन जो है, लैट्स की विड्थ पे काम करना है, प्लस आपको अपने रोम्बॉइड्स पे और लोअर बैक पे काम करना है। अगर आपने इन पे काम कर लिया आपके होम वर्कआउट में या जिम में, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो वर्कआउट है वो एक कंप्लीट वर्कआउट है, एज अपोज टू कोई और वर्कआउट जो सिर्फ आपके लैट्स पे या किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे ही फोकस करे। सो एक टोटैलिटी ऑफ डेवलपमेंट है जो उस पर हमें ध्यान देना है। एंड अभिलेख, चलो आज आप इनको दिखाओ कि किस तरह से बिना चीट किए पुलअप्स और चिनअप्स के वेरिएशन करने चाहिए, और साथ में हम डंबल्स की कुछ एक्सरसाइजेस के साथ जोड़ेंगे। ये एक्सरसाइज भी आपको एक जॉइंट सेट में करनी है। इस जॉइंट सेट को आप 3 बार रिपीट करेंगे 1.5 मिनट के गैप में। आप इन एक्सरसाइज को जिम में भी कर सकते हैं। अगर आप हैवी वेट कर करके परेशान हो गए और आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपके जॉइंट्स में दर्द शुरू हो गया है, तो आप इस तरह से आप बॉडी वेट एक्सरसाइजेस और बेसिक डंबल्स से आप एक अच्छी इंटेंसिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो चिनअप से शुरू करके दिखाएगा अभिलेख आपको। फर्स्ट जो एक्सरसाइज अभिलेख कर रहा है वो है नैरो ग्रिप चिनअप्स करके दिखाएगा आपको अभिलेख। तो इसमें आप अपने शोल्डर विड्थ अपार्ट भी पकड़ सकते हो, नैरो भी पकड़ सकते हो अंदर। अभिलेख ने अभी थोड़ा बाहर पकड़ा हुआ है, आप अंदर भी पकड़ सकते हो थोड़ा शोल्डर लेंथ पे, ठीक है। तो अभी आपको करके दिखाएगा कि आपको करना क्या है। जो प्रॉपर चिनअप होता है, ठीक है, उसका फॉर्म ये है कि आप पहले लटक जाइए, अपने लैट्स को पूरा फील करिए लटक के, एक बार मसल माइंड कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लीजिए, और उसके बाद शुरू करिए। आपका चिन बार से ऊपर जाना चाहिए। अगर आप छज्जे पे लटक के कर रहे हैं कोई बात नहीं, आपका आप पकड़ के करोगे छज्जे पे सिर टच हो जाए बस। या आप अगर बार को पकड़ के या किसी पेड़ की ढाली को पकड़ के कर रहे हो या जिम में कर रहे हो, तो कोशिश करो कि आप चिन को उससे ऊपर लेके जाओ। और आप देखो किस तरह से आपको लैट्स को स्ट्रेच करना है। ऊपर जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे रोम्बॉइड्स को, लैट्स को स्ट्रेच, ऊपर गए लैट्स को कॉन्ट्रैक्ट, रोम्बॉइड्स को कॉन्ट्रैक्ट, ये नीचे है। बॉडी को स्टेबल रखना है, बॉडी को थ्रू आउट स्टेबल रखना है, झूलिए मत। सारी ताकत आपको बॉडी को स्टेबल रखने में दिखानी है, ठीक है। अब हम अब करेंगे पुलअप्स, ठीक है। पुलअप्स में आपको अभिलेख 2 वेरिएशन दिखाएगा। पहले तो रेगुलर पुलअप्स करेगा, ठीक है, वाइड ग्रिप पे। अच्छा, जितना ग्रिप वाइड होती जाती है उतना ज़्यादा आपके लैट्स में स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता चला जाता है। तो अब अभिलेख आपको करके दिखाएगा पुलअप्स, ठीक है। अब देखिए जैसे इसने वाइड पकड़ा, सडनली लैट्स में अच्छा स्ट्रेच आ गया। अब ये पुलअप्स करेगा, ये देखिए कंट्रोल में गया, कॉन्ट्रैक्ट, नीचे आ गया। अच्छा, अब आपने नोटिस किया कि बहुत ज्यादा हैंग होना या टेढ़े मेढ़े होना नहीं कर रहा, फोकस कर रहा है पूरा अपने लैट्स पे, ठीक है। अब ये वाइड ग्रिप है, इसमें आप कर सकते हो। अब इसमें एक वेरिएशन ट्राई करना है आप लोगों को, ये आपका चैलेंज है, ये चैलेंज आपको पूरा करना है। भले ही आप एक रेप करो ऐसा, लेकिन आपको करना है और कोशिश करनी है। ये सारी जितनी एक्सरसाइज हम दिखा रहे हैं इनके 12-15 रेप्स आपको पूरे करने हैं, ठीक। गए, ये 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 ये, तो आप ऊपर गए, नीचे आते हुए राइट लेफ्ट
राइट लेफ्ट नीचे, ये एक रेप है, ये एक रेप है, इस तरह से आपको 10 रेप करने हैं। अगर आप ये करते हो आप नोटिस करोगे कि आपको बार को ग्रिप करने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ रही है और बहुत ज़्यादा बॉडी को कंट्रोल करना पड़ रहा है। जो लोग हैंग करके झटके लेके चिनअप्स मारते हैं उनके लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, उनको ये एक्सरसाइज करने से धीरे धीरे आदत पड़ेगी कि कैसे बॉडी को कंट्रोल में रखना है। प्लस जो नॉर्मल चिनअप्स या पुलअप्स मारते हैं उसमें आपको लगेगा कि ये मूवमेंट कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि ये इतना टफ मूवमेंट है, अगर आप इसके 6 से 10 रेप 15 रेप करने लग जाओगे जब, तो आपको नॉर्मल चिनअप पुलअप्स अपने आप इजी लगने लग जाएंगे। अब जो आपको ये दिखाने वाला है लास्ट वेरिएशन, ठीक है, शोल्डर लेवल पे पकड़ना है, शोल्डर लेवल पे पकड़ना है, ठीक है, ग्रिप देखिए किस तरह से है, शोल्डर लेवल पकड़ना है और अब जाएगा ये अपना पूरा कंप्लीट किया ऊपर गए, नीचे आए, आधा पुलअप आधा चिनअप ये नहीं करना, पुलअप्स चिनअप्स पूरे करने, ठीक है। सो ये तो हो गई बॉडी वेट एक्सरसाइज, इससे आपको शुरू करना है। अच्छा, इस वर्कआउट में बॉडी वेट एक्सरसाइज हम लोगों ने पहले रखी हुई है, क्योंकि अगर आप पहले अपने आप को थका देंगे तो बॉडी वेट एक्सरसाइज में आप चीट करना शुरू करेंगे, आप जर्क लेना शुरू करेंगे, ठीक है, आप स्विंग करना शुरू करेंगे, ये काम नहीं करने। एक बात और, वार्म अप के लिए आप थोड़ी देर अपने आप को अपने लैट्स को स्ट्रेच करके अपने आप को हैंगिंग पोजीशन में थोड़ी देर रोक के रखो, जैसे अभिलेख ने आपको दिखाया था, थोड़ी देर रोक के रखा, लैट्स को फील किया, लैट्स को रिट्रैक्ट किया, मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड किया, देन व्हेन यू आर रेडी आप शुरू करिए। और इस तरह से आप हैंगिंग पोजीशन में थोड़ी देर रह के वार्म अप भी कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपके घर में 10 केजी का डंबल 5 केजी का डंबल का पेयर है तो आप वो यूज़ करिए। अब अभिलेख आपको दिखाएगा एक्सरसाइज, यूजुअली ये एक्सरसाइज बार से होती है, बेंड बार इसे हम कहते हैं, लेकिन हम ये एक्सरसाइज डंबल से करेंगे। तो अभिलेख आप इनको दिखाओ कि किस तरह से डंबल से अपने लैट्स को एक्टिवेट करना है और रोम्बॉइड्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। हम चले जाएंगे अपनी बैक को ग्राउंड के एकदम पैरेलल लेके, ये देखिए बैक ग्राउंड के पैरेलल है, बैक पैरेलल है ग्राउंड के, यहाँ बेंड नहीं है, ये स्ट्रेट रहेगी आपके नेक से लेके लोअर बैक तक आपके बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, ठीक है। ये देखिए लैट्स को स्ट्रेच किया, रोम्बॉइड्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, लैट्स को स्ट्रेच किया, कॉन्ट्रैक्शन, 12 से 15 रेपिटेशन इसमें करने हैं, इससे कम नहीं करेंगे आप। ये देखिए पूरे अच्छे कॉन्ट्रैक्शन बनाए हुए, अच्छे स्ट्रेच के और अच्छे कॉन्ट्रैक्शन के साथ आपने इससे रेप्स पूरे करने हैं, बस बहुत बढ़िया। ये जब हो जाएगा तो अब आप नोटिस करोगे कि आप फटीग बिल्डअप होना शुरू हो गया है। तो हमने क्या प्लान किया है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, पहले हम लैट्स की विड्थ पे काम करेंगे, उसके बाद हम काम करेंगे रोम्बॉइड्स पे, ठीक है, मिडिल बैक पे, लास्ट में हम आपको अभी डेडलिफ्ट भी करके दिखाएंगे तो वो आपकी लोअर बैक पे काम करेगा, तो ये कंप्लीट बैक वर्कआउट हो जाएगा। अब हम करेंगे डबल आर्म डंबल लैट्स, इसमें पोजिशन स्लाइटली डिफरेंट पोजिशन होगी, बैक ग्राउंड के एकदम पैरेलल नहीं है, हल्का सा ऊपर उठा लेंगे। अब आप नोटिस करिए, देखिए हल्का सा ऊपर उठा लिया इसने, ये देखिए किस तरह का एंगल बनाया है, बिल्कुल पैरेलल नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए क्या कर रहा है, यहां नहीं पकड़ा डंबल को, ऐसे पकड़ा है, और जैसे वन आर्म डंबल लैट्स करते हैं बेंच में, वैसे ही आप डबल आर्म डंबल लैट्स कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज कम वेट से ही होती है, बहुत ज्यादा वेट से आप कर नहीं सकते अगर कोई बेंच का सपोर्ट नहीं है यहां। ये भी आपके लैट्स को स्ट्रेच करने में और रोम्बॉइड में मिडिल बैक में बहुत अच्छा इफेक्ट देगी। ये एक्सरसाइज भी बहुत इफेक्टिव है, स्पेशली अभी आपने अपने को प्री एग्जॉस्ट कर दिया है बॉडी वेट एक्सरसाइज से, तो अब ये एक्सरसाइज कम वेट से भी डिफिकल्ट हो जाएंगी। तो अब हम डंबल डेडलिफ्ट करेंगे, लास्ट एक्सरसाइज जो हमारी है, फिर मैं आपको कुछ बताता हूँ कि अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो। तो डंबल डेडलिफ्ट करेंगे, अगेन जस्ट आउट बैक स्ट्रेट, अब आप डेडलिफ्ट शुरू करेंगे, ये देखिए। और आप नोटिस करिए नीज को एकदम लॉक करके ऐसे सीधे नहीं रखा, हल्का सा बेंड कर रखा है स्लाइटली, लेकिन बैक स्ट्रेट है थ्रू आउट मूवमेंट में, लोअर बैक से ही हमें ये मूवमेंट करना है और डंबल्स को आगे पीछे हिलाना नहीं है, एक फिक्स पोजीशन में रखना है और लोअर बैक पे ध्यान देना नीचे जाते हुए। यूजुअली इस तरह के मूवमेंट्स में आपके हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स भी खींचते हैं। तो अब मान लेते हैं कि आपके पास डंबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो घर पर, जिम में तो डेफिनेटली आप अगर हैवी वेट यूज करने के आदि हो तो इस तरह का आप एक जायंट सेट करके देखना और इस जायंट सेट को 3 बार रिपीट करना और इंटेंसिटी से करना, आप चिनअप्स वेटेड भी कर सकते हो। अब मान लीजिए घर पे आप हो, आपके पास डंबल नहीं है, तो
तो आप क्या करोगे? तो आप LPG सिलेंडर जो नॉर्मली घर में आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो बेंड बार और डेडलिफ्ट करने के लिए। वेट भी अच्छा है और पूरा स्टिमुलेट होगा। तो जिनके पास डंबल नहीं है घर पे, वो ये करके ज़रूर ट्राई करें। खाली सिलेंडर है पर इसका वेट अच्छा है। हाँ, ये देखिए कॉन्ट्रैक्शन देखिए, ठीक है, स्ट्रेस देखिए। अच्छा, इसमें रेंज ऑफ मोशन कम होगी तो एक एडवांटेज आपके पास है कि आपका जो आप बैक की एक्सरसाइज में स्ट्रेच करने में बहुत ध्यान देते हैं, कोई भी बैक की एक्सरसाइज होगी, लैट्स में भी आप स्ट्रेच करने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऊपर कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में अपने को रोक नहीं पाते। जब आप इससे करेंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में ज़्यादा देर रखना है, ठीक है, आप ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्शन कर पाओगे। ये देखो, ये यहाँ रोकना है, फिर नीचे गए, फिर ऊपर आए, यहाँ रोकना है। ये जितना अच्छा आप ये कॉन्ट्रैक्शन करोगे उतना अच्छा आपके मसल पे इफेक्ट आएगा। अब इसी से फिर आपको डेडलिफ्ट करनी है। और आज हम लोग दिन में शूट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि ऊपर हम लोगों के जिम में, होम जिम में ऊपर टिन है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इसलिए थोड़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। लेकिन वैसे भी अगर आप इस वर्कआउट को ट्राई करते हो वेट के साथ या विदाउट वेट, एक जॉइंट सेट में लगातार बिना रुके, यहाँ तो हम डेमोंस्ट्रेट कर रहे हैं, थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, बट आपको ये बिना रुके करना है और कम से कम इसके 3 सेट करने हैं, तो बहुत अच्छी इंटेंसिटी लैट्स में बिल्डअप होगी और आप एक्चुअली में इससे मसल माइंड कनेक्शन अच्छा बिल्ड कर सकते हो, जो आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट में नहीं कर पाते जिम में कई बार। तो अब अभिलेख आपको डेडलिफ्ट करके दिखाएगा। यही काम आपको जो अभी डंबल से करके दिखाया आप इससे कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है डंबल्स। बैक देखिए, बैक उसकी बेंड नहीं हो रही, बैक स्ट्रेट है, चेस्ट आउट है और बैक स्ट्रेट चेस्ट आउट में करने हैं उसको सारे काम। ये देखिए कितने प्रॉपर फॉर्म में कर रहा है। इस तरह से आपको करना है। बारबेल है घर में, बहुत बढ़िया, नहीं है कोई बात नहीं, आप डंबल करिए, आप डंबल नहीं है तो सिलेंडर करिए, पर वर्कआउट छोड़ने का अपने को एक्सक्यूज मत दीजिए कोई कि अब जिम तो बंद हो गए, यार मेरे घर पे इक्विपमेंट्स नहीं है कैसे करूँ। करने वाले कहीं भी करते हैं, ठीक है। आज से कुछ महीनों पहले जब फिट इंडिया मूवमेंट आया था तो लोगों ने खूब अपने वीडियोज डाले जिम के बाहर भी, घर पे और सब जगहों पे जाके फिट इंडिया मूवमेंट को हैशटैग करके सब लोगों ने खूब वीडियोज डाले। और अब एक्चुअली में जब आप लोगों को काम करना है तो मैं कई लोगों के एक्सक्यूज सुनता हूँ, कई लोगों के कि यार जिनको है नहीं घर में इक्विपमेंट है नहीं, मैं एक्सरसाइज कैसे करूं, वो बात नहीं आ पा रही। यानी भाई, ना करने से अच्छा कुछ तो करिए। तो ये वर्कआउट हम इसलिए नहीं ला रहे आपको कि भाई आप क्या है किसी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर सकते हैं ये चीज़ें यूज़ करके, ये इसलिए हम ला रहे हैं सो दैट आपकी जो जर्नी है उस जर्नी में आप लोग रुक ना जाओ, अपने आप को ये एक्सक्यूज़ देके कि यार मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है। और हम लोग भी अपने को ऐसा कोई एक्सक्यूज़ नहीं देते, चाहे कितने प्रॉब्लम्स आए हों पहले भी, कई बार एक्सरसाइज छूटती है जब आपके इंजरीज होती हैं, पर उस पे भी आपको अपने को एक्सक्यूज़ नहीं देना है, है ना। ये बेसिक मूवमेंट्स हैं, ये आप हमेशा ही कर सकते हो, हर जगह कर सकते हो। सो इसी तरह के वर्कआउट्स हम आपके पास लाते रहेंगे। आज अभिलेख ने आपको बैक का वर्कआउट करके दिखाया है। आने वाली सीरीज़ में हम कुछ अच्छे वीडियोस लाने जा रहे हैं आपके पास, और आप लोगों का फीडबैक हमें जो कमेंट सेक्शन में मिल रहा है उससे हम अपने वीडियोस का कंटेंट इम्प्रूव करते जा रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमें सब्सक्राइब करिए, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं दबा के लाइक बटन ठोको और सपोर्ट करो चैनल को। सो कीप वॉचिंग कोर स्ट्रेंथ टीवी and see you until next time.